नमस्कार, आप देख रहे हैं देशी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी डाल। नारी शक्ति की ओर से आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। कई ऐसे कपल हैं, आप देखिए तस्वीरों में सीधे कि आज इनका सामूहिक विवाह किया जा रहा है। हमारे साथ नेहा और दीपक है, हम इनसे बात करते हैं। नेहा जी, आज सामूहिक विवाह में आप लोगों की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है, पर क्या बोले, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बस, मतलब अभी तो क्या बोले, भाई बहन छोटा छोटा है ना, इसलिए ना तो माँ बाप नहीं है। तो ये नेहा को शादी करके कहाँ रखेंगे? घर में रखेंगे, रांची में ही घर है। हाँ, रांची में घर है। नेहा को बोलेंगे काम करने के लिए? देंगे? नहीं नहीं, क्यों? घर में काम करने बोलेंगे बस, उसके बाद अपना हम चल जाएंगे ड्यूटी पे। परिवार अच्छा चले इसे इसके लिए जरूरी है ना कि दोनों मियां बीवी जो है वो काम करें। नहीं तो घर के पास इधर उधर काम करवाएंगे थोड़ा मोड़ा बहुत अपना, नहीं तो ज्यादा भारी काम करवाने नहीं देंगे। क्या कहेंगे नेहा जी? क्या जो बोलेंगे वही करेंगे ना। हाँ बस। कितने समय से जान रहे हैं दूसरे को? हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं दूसरे को, पर अभी शादी कर दे रहे तो। नारी शक्ति की केंद्र अध्यक्ष सुचिता जी भी है। सुचिता जी, आज सामूहिक विवाह किया जा रहा है, लगभग 16 कपल हैं ऐसे। जी जी, क्या मकसद होता है आप लोग का ये कार्यक्रम कराने का? मकसद यही है कि जो गरीब असहाय बच्चे लोग जैसे शादी अरेंज मतलब कर लेते हैं और शादी का पैसा नहीं जुटा पाते हैं, वो लोग के लिए प्लेटफॉर्म हम बनाए हुए हैं। और जैसे कि बहुत कोई ऐसे लिविंग में भी रहते हैं, वो लोग के पास कोई समाधान समस्या का रहता नहीं है, इस तरह से हम लोग ये इसको शुरू किए हैं। और कोरोना की वजह से तो अभी कम है, नहीं तो 271 फॉर्म भरा हुआ हम लोग का, फिर 10 दिन के बाद फिर हम लोग करेंगे, कोरोना को देखते हैं। कितनी शादियां हो चुकी है ऐसे सामूहिक में कब से? हाँ, नारी शक्ति की ओर से 3000 से ऊपर करवा चुके हैं। 3000 से ऊपर करवा चुके हैं ये इसकी साथ, क्योंकि आजकल की शादी देखी जाती है कि शादी के बाद बहुत तरह के परेशानियां भी आते हैं कपल के बीच में, तो क्या नारी शक्ति भी ये जिम्मेवारी लेती है कि अगर कुछ अनबन होता है तो फिर वो अच्छे से? आज तक तो इतने सारे शादियां करवाई, कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं आया है। और दूसरा बात है कि जो हम लोग शादी करवाते हैं वो जो और बाकी सबका शादी से बहुत अच्छा रहता है। ये लोग क्या है कि ये लोग को डर, हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, उससे क्या है कि वो लोग गलत नहीं करते हैं। अच्छा सुचिता जी, अगर मैं आपको पूछूंगी कि मैं कपल से बात की, इसमें कई ऐसे कपल हैं जो 20-21 साल के हैं, बहुत ऐसा नहीं लगता है कि 20-21 साल भी बहुत कम होता है और इसमें मेच्योरिटी लेवल बहुत कम होती है, तो क्या वो आपस में उस तरीके का समन्वय बना पाते हैं छोटी सी उम्र में? अगर वो ऐसे नहीं, तो अगर हम लोग शादी का उसको नहीं देंगे दर्जा तो वो भाग जाएगी, उसके गार्जियन को शर्मिंदगी महसूस होगा, इसके चलते ये लोग करके और आराम से रहेंगे। इसलिए बहुत जोड़ा सा है कि ऐसा ही रह रहे हैं लिविंग में, तो वो लोग को कोई गलत वर्ड ना बोले, इसके चलते हम लोग ये प्लेटफॉर्म देते हैं।